वेलकम टू शर्मा सिस्टर्स। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे पता है अगर कमेंट सेक्शन में किसी ने भी लिखा ना कि तान इतने सुंदर लग रहे और मैं अपने टट्टी, यार ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे मार दिया है, लेकिन ये मारा नहीं। जैसे आपको पता है कि मेरे ब्लिस की कहानी कंटिन्यूड, और तान्या ने मेकअप किया, मैंने मेकअप नहीं किया सिवाय आईब्रोज की, इसलिए मैं ऐसी देखी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने गलत लिखा ना, मैं बहुत मारना है। झूठे, मैंने मेकअप नहीं किया, मैं सिर्फ किया। एनीवेज, तो ये व्लॉग इज अबाउट तान्या गोइंग टू दुबई, लीविंग मी ऑन 14th अलोन, एंड वो कल जा रही है। तो थोड़ी देर को कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। मैं भी वैलेंटाइन मनाऊं लाइक मम्मी। शट अप, आई एम गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स। सो हमने दिन की शुरुआत कैसे करी थी वो हम आपको अभी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, एंड देन उसके बाद हम मिलेंगे। और पीछे की जो वॉइस है प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि हम जोर से बोलो जय माता दी, हम बोलो जय माता दी, हम कंस्ट्रक्शन साइट में रहते हैं। सो दैट्स इट। ओके, सो पुराना वाली क्लिपिंग्स आप जाके देखो। तान्या की पैकिंग शुरू हो चुकी है, मुझे छोड़ के जा रही है दुबई। गाइस, मैं 10 दिन बाद मेकअप कर रही हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है कि क्या आने वाला है। आज आना का शूट है तो इसलिए वो थोड़ा सज धज रही है। गिव अपडेट ऑन योर एक्ने एंड योर दांत। माय एक्ने इज मच बेटर, माय जो इज इतना खुल सकता है और मेरा जो ब्लिस्टर है वो बेटर हो रहा है, बट ऑब्वियसली आई थिंक इट विल टेक मोर 3-4 डेज। अपडेट शूट पे बंदर बनती हुई मेरी बहन। कौन सा बल? रेड वाली गाड़ी में बल था, बोले था कार के पीछे वाली, उसमें रखा है, अब जाके लेके आ। ये लैंप में बल्ब नहीं है। इस तान्या, जैसे कि आपने देखा, बाहर शूट करी है, वो जो सोफा लेके आई थी, सो दैट्स अ कोलैबोरेशन, सो शी इज गोइंग टू शूट फॉर दैट। एंड मीनवाइल मैं बिरयानी बनाऊंगी, जो मेरी आज की डाइट में है, विच इज ब्राउन राइस बिरयानी विद पनीर। तो कम ऑयल में हेल्दी वर्जन बनाएंगे, एंड आप भी देखिएगा कैसे बनता है। ओके, लेट्स टेक यू टू द किचन। बल्ब इज हियर, अपने सर पे भी लगा ले कभी कभी, तो बत्ती जलेगी तेरी। ये बल्ब जल गया, वेल डन तान्या। सब घर का पसारा करके रखा हुआ है और मैं प्यारी बच्ची यहाँ पे तान्या को हेल्प कर रही हूँ। सो वेलकम टू शेफ किट्टूज किचन। सो आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी ब्राउन राइस पनीर बिरयानी। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने मिक्स वेज लिया है, तो इसमें हमने मूंग भी ली है, गाजर भी, थोड़ी बीन्स भी, थोड़ा ये भी, और फिर प्याज टमाटर काटे हैं, और अभी रेशमा भूल चुकी है कि हमें जिंजर और जिंजर और अदरक नहीं, जिंजर और लहसुन का पेस्ट बनाना है वो। और ये मेरे पास थोड़ा सा पनीर है, ठीक है, तो उसको मैं कट करूंगी ताकि इसे मैरिनेट कर सकूं। ये हमने पनीर के अंदर डाला है 1 चम्मच दही उसको कोट करने के लिए, और ये मेरा हथियार। उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, ये हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी ही शाही पनीर मैंने ढूंढ लिया है, तो हम थोड़ा सा उसके अंदर से लेंगे साथ में और डाल देंगे अपने इसमें। सो अब हम बस इसे ऐसा कोट करेंगे। तो बाहर ताने भी बोल रही अपनी शूट पे और मैं अंदर बोल रही हूँ और कंस्ट्रक्शन भी है। एनीवेज, ये मैंने कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम सारी वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे 1 स्पून घी में, और खड़े मसाले डालेंगे और फिर बिरयानी मसाला डालेंगे, अच्छे से उसको पका लेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे उससे। और चावल भी मैंने पहले से ही पका के रख दिए हैं, ब्राउन राइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इन सबको मिक्स करके हम पुलाव बना देंगे। सिंपल है, ये बहुत इजी रेसिपी है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे स्टेप करेंगे। ओके, चलो। तो 1 टीस्पून हम डालेंगे घी, ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे ये खड़े मसाले, ठीक है, और
ये जीरा कितना गंदा होके रखा हुआ, ये रेशमा है ना इसने किया। तो एक चुटकी हम डालेंगे जीरा, फिर उसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले और उसे हम थोड़ा सॉटे करेंगे। मैं किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट कर रही क्योंकि हमें किसी पैसे नहीं दिए। सो यस, हम लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट क्योंकि इस घर में लोगों के हाथ टूटे हुए हैं तो फ्रेश वाला नहीं देते हैं हम, पुराना वो मैं हम ऐसा पुराना टुकला कुछ तो निकलता है इसमें से ऐसा डालते हैं और उछल के रखते हैं। फाइन, अब फेंक दे थे रेशमा क्योंकि खत्म हो गया। तो हम इसको थोड़ा दूर से बेटा लो, दूर से ये तो मुंह पे आएगा, प्यारी प्यारी स्किन की लग जाएगा। मिर्ची काटने की निंजा टेक्निक आपके हाथ में नहीं लगेगी और फटाफट सीधा जाएगी इसके अंदर। हमें से वैसे फटाफट काटना है बारीक बारीक कैंची से। देखो तीखा पसंद है इसलिए पूरी एक मिर्ची डालूंगी मेरे लिए। फिर हम डालेंगे प्याज, ठीक है इतना प्याज काफी है क्योंकि एक जन के लिए बन रही है। रेशमा की लैंग्वेज में करप गई है मतलब जल गए थे जैसे कि आप देख सकते हैं, आप दिखाओ जरा ये करप गए करप गए, इसको करप ना बोलते हैं ना रेशमा, इसको फटाफट हम मराठी में बोलते हैं। ओके मराठी में बोलते हैं रेशमा के लिए करप गया है। गाइस हाँ खिड़की तो वो खोल ही रही हो तुम। एक्चुअली हमारी रेशमा को ना बहुत छुई मुई है ये, तो इन्हें ना मतलब ऐसा होता है कि जरा सा भी धांस आया तो अच्छू अच्छू करना शुरू कर देती है। तो लगता है सिर्फ मैं नहीं हूँ, रेशमा और मैं दोनों खुरप करप क्या क्या बोलते हैं खुरप गए करुप गए क्या करुप गए जल गए उसकी वजह से आ रहे हैं। अब आप लोगों के लिए शूट भी करना है तो इसलिए थोड़ा जल गया, पर वैसे मैं खाना अच्छा बना रही हूँ है कि नहीं जल्दी बोल। हाँ देखा अच्छा बना रहा। तो ये जाएगी, अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये नमक हम डाल देते हैं थोड़ा और मुझे ज्यादा, और फिर हम डालेंगे बिरयानी मसाला थोड़ा सा ही डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चावल बहुत कम है। तो हम डालेंगे थोड़ा बिरयानी मसाला और फिर सिंस पनीर है हमारे पास तो हम डालेंगे थोड़ा सा शाही पनीर मसाला। मुझे मसाले बहुत पसंद है, सब जगह मसाले डाल के फिर देते हैं एनीवेज ठीक है। और हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ओके गाइस, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ जो मैंने रिसेंटली सीखी है कि कभी भी अगर आप कम ऑयल में खाना बना रहे तो ऑब्वियसली जल जाएगा, तो उसके लिए आपको हमेशा उस पर पानी से पकाना चाहिए। हम पानी में पकाते हैं जो हेल्दी खाना खाते हैं, ऑयल में नहीं। तो पानी जो है वो ऑलरेडी गर्म होना चाहिए सब्जी में डालने से पहले। ओके सो दैट्स द टिप। ओके तो मैंने पानी डाल दिया है, अब ये पकती रहेगी एंड यहाँ पे हमारी छाछ बन रही है जो आई लव। हम जाते हैं बाहर जब तक हमारी सब्जियाँ ये मराठी में पकने को क्या होता है सीज गया, जब तक सब्जियाँ सीज नहीं जाती तब तक हम कान्या को देखते कि वो क्या सीज रही है मतलब क्या पका रही है बाहर। तो ये हो रहा है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ताने को सिर्फ ये करना आता है, दिन भर वो पड़ी रहती है अपने काम के लिए। देखो कितनी सारी चीजें कर रही है ये। तो गाइस पानी में मेरी सब्जी बन चुकी है एंड अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा पनीर और फिर उसके बाद चावल। देखो गाइस कुछ भी जो रहता है ना लाइक कुछ भी आप हेल्दी बनाने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा इतनी टेस्टी नहीं लगेगी जो आपको बटर और चीज़ और उसके साथ बनी। तो नॉर्मली जो ये सब्जी है जो सब देख रहे हो
वो तेल में पकती है ना, मैंने पानी में पकाया है तो इसलिए उसकी शक्ल ऐसी मरेली हो गई है, बट आई होप कि मैं इसे खा पाऊँ। सो यार लेट्स, देख रहा ये होता है मेरे साथ। तो गाइस सब मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं इसे बस ऐसा स्टर करूँगी और इसे थोड़ा भाप दूंगी एंड देन मेरी बिरयानी इज रेडी। सो गाइस मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, मैं नीचे बैठ के खाती हूँ अगर डाइनिंग टेबल नहीं है तो। सो ये मेरे बैठने का जगह है मेरे रूम में। सो यस मैं यहाँ बैठ गई हूँ और आई विल नाउ ईट माई पानी वाला बिरयानी। लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। बाद में मैं टमाटर डालना भूल गई थी तो मैंने टमाटर ऐसे कच्चे वाले डाल दिए। टमाटर कच्चे हैं और बाकी सब परफेक्ट। तान्या की शूटिंग खत्म हो चुकी है एंड वी आर ईटिंग आवर फूड। तान्या क्या खा रही है? पहली टाइम आफ्टर 10 डेज आई एम हैविंग रोटी फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर भी होठ तो वाट लगी हुई है इसकी, कैसा है दांत से चबा पा रही है कि नहीं? तू क्या खा रही है? मैं तो मेरी बिरयानी खा रहा हूँ। डाइट के हिसाब से खा रही है, पानी वाली। मैं बहुत ही पतली रोटी खा रही हूँ जो मेरी मम्मी को मैंने बोला था बनाए, और कोफ्ते की सब्जी खा रही हूँ जिसमें इतनी मिर्ची नहीं है, उक्की मिर्ची है, बट दही के साथ बेटर लग रहा है। मेरे को कोफ्ता खाना था, बड़े लोग ने एयर फ्राई में नहीं बनाया तो मैं नहीं खा सकती। नॉट ऑनली अभी डोसा खा के आई हूँ, सादा डोसा। चलो गाइस खाना खाने के बाद मिलते हैं। चलो बैक टू माय ड्रैकुला लिप्स। यस हमारा खाना हो गया और तानिया 10 दिन बाद कहीं बाहर जा रही है। थैंक गॉड मेरे को शांति मिल गई, तो सर पे बैठी रहती है मेरे। सो शी इज गोइंग कैमरा मत लो। सो शी इज गोइंग समवेयर गॉड नोज वेयर आई थिंक व्हाटएवर। आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग एंड देन आई थिंक आई विल गो टू न्यूमी जो नया उसका आउटलेट खुला है इन्फिनिटी एंड ऑर्बिट में, तो वहाँ शॉपिंग करने जाएगी बेसिकली। और मैं खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करूंगी, सो जाऊंगी और फिलहाल मैं देख रही हूँ ये It is not chup chup ke. So वो देखूंगी और मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी और मैं आपको सीधा शाम को। अरे कितना बोलती है यार। And मैं आज बेक समोसा बनाने वाली हूँ एयरफ्रायर में। So yes, stay tuned for that. Welcome back to Kitty's Kitchen one more time. जैसे कि आपको पता है शाम हो चुकी है और मैंने आपको बोला था कि मैं समोसा बनाने वाली हूँ और तान्या बाहर शॉपिंग कर रही होगी। I hope वो ब्लॉग करे, अगर नहीं करेगी so that is not my problem. My agenda is to entertain you people, तो वो मैं कर रही हूँ। हम बनाने वाले हैं समोसा लेकिन नॉन फ्राई, एयर फ्रायर में बनाएंगे विदाउट एनी ऑयल। तो मैंने सारा मसाला बना के रख लिया है, जैसे कि ये आलू और पीस का मैंने मसाला बना के रख लिया है जो हमने समोसे के अंदर डालना है, और ये मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है, और ये घोल जो मैं उसके ऊपर लगाऊंगी उसे बंद करने के लिए। So let's start. ये हम पहले बीच में से काटेंगे। अब हम इसे ऐसे लेंगे, इतना तेल डाला है इसमें, तो अब हम इसे कैसे बना रहे थे वो यार मैं भूल ही गए। समथिंग लाइक दिस तो था यार ऐसा। ओके अब रेशमा बना रही है, ट्राई करी, हमने अभी देखा कैसे बनाना है। यस ऐसे ऐसे, लेकिन नहीं और अंदर ऐसे जोड़ा ये क्या और अभी कैसे किया किसने? रुक जा मैं ट्राई करती हूँ। ट्रायल टू हमने फिर से देखा है, रेशमा ने कुक बनाना आ गया फाइनली, तो वो मुझे सिखाने वाली है। तो हमने छोटा लिया है, अब हम उसे काटेंगे। टेढ़ा गया इधर का बड़ा आ गया, छोटे जाने दो। अब हम इसमें से थोड़ा ये पानी लेंगे और इसको इधर डालेंगे, आई होप इस बार बन जाए। ठीक है और हम इसे उठाएंगे और ये बनेगा गलत।
गलत गलत ओके हम फिर से ट्राई करने वाले हैं. ये लगाया पानी पानी नहीं हाँ वही मैदा और पानी का इतना नहीं लगाना है. ठीक कोई वैसे देंगे देखो तेजी कैसे बनाएगी. हमेशा उल्टी साइड क्यों लगा ओके गाइस लेट्स डू दिस. नहीं गलत अंदर हाँ ऐसे ना मुझे ना इरिटेट कैसा समोसा है रे दिखाऊं क्या मैं. नहीं मैं फिर से ट्राई करूंगी यार. भगवान यस कुछ बना ओके ओके गाइस बन गया. यस 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 ये मेरा समोसा बन गया है. ये कौन बन गया टंकड़ा देख सकते हो आप. बोल अब मैं डालूंगी इसमें फिलिंग जो मैंने बनाई है थोड़ा उसको अंदर डाल देती हैं. ये समोसे को थोड़ा ऐसे कर दो अंदर फिलिंग साड़ दो पूरी और थोड़ी सी कोई सी मेरा थोड़ी सी ओके ये और घुसाड़ भी देना उसके लिए. यस ठीक है अब इस समोसे को हमें बंद करना है जो हम कर सकते हैं. ये घोल लगाना है फिर से एजेस पे और तो ये बंद हो जाएगा. ये देखो ये हो गया बंद. और अगर आपको लगता है कि फिर खुल जाएगा तो उसे ऐसा बंद कर दो. मैं तो बंद ही कर दूँ. और ये साइड भी बंद हो गया तो मेरा समोसा मेरा पहला समोसा. अब हम सारे समोसे बनाते हैं. किसका अच्छा समोसा ये तूने बनाया. ये भी मैंने बनाया. हाँ ठीक है ये भी तूने बनाया कोई बात नहीं मेरा बेटर समोसा. एनीवेज तो फटाफट हम सारे समोसे बना लेते हैं और फिर हम आपको बोलते हैं. सो गाइस समोसे रेडी हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. नॉर्मल समोसा जैसा नहीं है ऑफकोर्स मेरे पहली बार है तो थोड़ा कड़क हो गए हैं ये. पर माँ तो माँ होती है मैं मम्मी को बोलूंगी कि वो मेरा ये ट्राई करके देखे. ओके मम्मा इज ट्राइंग. इतने सूखे सूखे से पत्थर है बोले जा रही हो. ये देखो गाइस आवाज देखो समोसे की. माय गॉडनेस जाने क्या कर चुपचाप खा. शायद टेम्परेचर का कुछ नहीं हुआ रहेगा. अब खा लो ठंडे गरम. देखो फिलिंग नाम की भी चीज होती है कोई. अच्छे नहीं है क्या? फीलिंग तो ठीक है बाहर से क्योंकि एयर फ्राई में ही फ्राई किए फर्स्ट टाइम में तो स्वाद नहीं है. वो क्या है ना लोगों को हेल्दी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है. नहीं गाइस देखिए ना ये क्या है. क्या है? इट्स नाइस तनु इसमें हाँ तो बोल रहे ना मिश्रण ठीक है लेकिन डेढ़ घंटा लगा मुझे बनाने के लिए. डेढ़ घंटा इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करी. ओके गाइस सो हियर माय डैडी जो ऑफिस से आ चुके हैं और उनका ये फेवरेट स्पॉट है वो यहाँ पे ऐसे बैठ के आराम से चाय पीते हैं और अपने फोन में सुनते हैं. तो मैंने ये जो समोसा बनाया है उसका वो टेस्टिंग करेंगे. देखा कितने अच्छे है और मम्मी क्या बोल रही थी बेइज्जती कर दी मेरी बात में बोल रही थी अच्छा था. हाँ? हाँ? हाँ?
ये ऑयल फ्री है तो उसको ग्रेस करके ग्रेस नहीं इसको क्योंकि है टेस्टी। तो ये था मेरा डिनर जो चल चुका है। तो मैं दे रही हूँ ये पापा को, विच वॉज अ बेसन का चीला। सो या मुझे गुस्सा आ गई क्योंकि चिपक गया। सो या आई एम गिविंग दिस टू माई डैड। अच्छा समोसा खिलाया था ना मैंने, ये भी खा। अब हम ट्राई करेंगे एक और बार, फिर जलेगा, हम फिर पापा को दे देंगे। तो सेकंड ट्राई इज 1 2 3। अगर ये भी जल गए तो मैं कूद जाऊंगी कहीं से। तानिया इज इन द हाउस, कल सुबह उसकी 6 बजे की फ्लाइट है कि नहीं? हाँ भाई साहब, हमारा नया कॉर्नर तो हमने देख लिया, बहुत ही प्यारा। यस, आज यहीं पे ताना शूट कर रही थी। ये बहुत ही प्यारा कॉर्नर ताना ने सजाया है, कुछ तो काम किया है। अजू बिजू, इसमें ब्लू ब्लू रिंग लगा हुआ है। अरे रिन नहीं है वो, क्या है? क्या ब्लू रिन का है? ये देख, ये ब्लू रिन है। पता नहीं मैंने, यार ये रिन की लारी से मोसी के नाम पे मैंने तो नहीं लगाया। रिन आ गया होगा वहां से, मतलब पॉडकास्ट ठीक से नहीं मार जा रहेगा। मेरी गलती नहीं, जल्दी कहा मेरे को, मेरा वो जल जाना है मेरा। अरे वो अभी बहुत देर पकेगा। जहर नहीं खिला रही हूँ जो मुंह खोलने के लिए जान निकल रही हूँ। सर बता जल्दी। अच्छा देख, मैदे का नहीं है, बीट के आटे का है। सो दैट्स हाउ दैट इज लाइक दिस एयर फ्राइड। अच्छा पापा को तो अच्छा लगा था यार। पापा को कुछ भी खाने के लिए करे वो उनको अच्छा ही लगेगा। अंदर की फीलिंग देखो अच्छी नहीं लगती? फीलिंग अच्छी है, ऊपर का बाहर का बहुत ही खराब है। ऐसा लग रहा है रबड़ खा रही है। हेल्दी चीज खाने में यही तकलीफ होती रहती। वो कल ना तेरे लिए ऐसा कल तल के बनाऊंगी, ऑरेंज वाला, टिंग वाला, ठीक है? इतने में जितना ही मिलेंगे तो बना 1.5 घंटे और ऊपर से ये ना। 1.5 घंटा लगा मुझे बनाने के लिए। फाइनली 3 छोटे-छोटे टुकड़े बन चुके हैं एंड मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। मेरे 3 बच्चे पीछे पड़े हैं, अब मैंने खा लूंगी और मेरा डिनर पूरा हो जाएगा। फिर ब्लॉग को खत्म भी करना है, बहुत दिखा लिया खाना आज तो। हेलो, कल रात मैं थोड़ी पैकिंग कर रही थी लेकिन मैंने गलत ड्रेसेस पैक कर लिए तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ लेकिन एज यू कैन सी आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। आई डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग। दिस इज अ नाइस रेड आउटफिट व्हिच यू विल सी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज नाइस फ्रॉम न्यूबी, दिस वॉज फ्रॉम अर्बेनिक, दिस इज अगेन फ्रॉम अर्बेनिक। रियली क्यूट आउटफिट्स। हेलो किंग छो मजमा, मैं अभी ज्वेलरी सेटअप करी और हमें सहानुभूति देने के लिए आए हैं। लीशा सहानुभूति नहीं होता है, सहानुभूति होता है। सहानुभूति में बीमार थी क्योंकि मैं 10 दिन से बीमार। मेरी मम्मी कह रही है बीमार है फिर भी घूमने जा रही है। एग्जैक्टली मेरी मम्मा ने भी यही बोला कि बीमार है। नहीं मम्मी वो बीमार वाली बीमार नहीं है, मैं उधर जस्टिफाई कर रही हूँ। मतलब नहीं मम्मी वो बीमार वाली बीमार नहीं है, बस वो थोड़ा समझाने में ही प्रॉब्लम हो गया मुझे। चुप रहे, द थिंग इज कि ये प्लान बहुत पुराना था और तो उसे वो नहीं कर सकी। प्रीवियस कमिटमेंट, हाँ मैं दिस इज माय प्रीवियस कमिटमेंट, तो मुझे ठीक होना पड़ा इसके लिए। डिस्को पापड़ बोलते है ये लड़का कौन है हमारी गली में? ये क्या लड़का है? यार तो लड़का लग रही है। लड़का लग रही है, बैंग्स लगाने निकले थे रात भर बात कर रही है। उसका ही लॉग बनाए जा रही है। बैंग्स बनाने निकले थे, बैंग बैंग बॉय बन गए। थाईलैंड बैंग बैंग बॉय, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, गुड बॉय गोज टू हेवन, बैड बॉय गोज टू बैंगो। आके गुंदू गई होगी, आके निकल रही है।
एनीवेज ताने जा रही है कल अपना वैलेंटाइन बनाने है, नहीं इवेंट के लिए जा रही लल्ली, वैलेंटाइन तो वही बनाएगी ना पर है कि नहीं, और सेल्फ लव, सेल्फ लव हम खुद को देने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियोस आपको देखनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको करनी है सिर्फ तीन चीजें जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।